अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए थोड़ा, है ना। हाँ, तो आज कहाँ कहाँ जाने वाले आप फिर? आज जाने वाले अना सागर, पुष्कर और किशनगढ़। किशनगढ़, ये तीन किशनगढ़ जगह। मतलब उधर जाएगा तो मालूम पड़ेगा, तो वाइट वाइट रेत है वैसा कुछ हाँ, है। तो वहां पर कुछ जाने वाली हूँ मैं। तो फोटो भी शूट होगा, थोड़ी रील्स भी बनेगी, है ना। हाँ, और कैसी लग रही हूँ मैं, मेरा ड्रेस कैसा है? धोती पटियाला टाइप है ना ये, धोती धोती टाइप। हाँ, तो चलिए कभी वापस नहीं। जाकर मैं बाल खुला कर दूंगी। अभी गाड़ी में बैठना है ना, जैसे बाल बांध दिए तो बाल काटी काटी हो कोई जाएगी। नहीं, है लाइव तो अगर। भाई, हाँ, एयरबैग लेने नहीं, लाइव अब मेरे। अंदर से हाँ, आओगे तो सही हो जाएगा। उधर जाके तो खुला ही कर रही है ना, तो चलिए अभी निकलते। उधर जाने का, उधर चलो, उधर चले जाओ। उधर चलो, तो चलिए अभी हम लोग आ चुके हैं किशनगढ़ में ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये कोई बर्फ नहीं है, है ना। हाँ, यहाँ पर होता है मार्बल कटिंग करते हैं। हाँ, मार्बल की इधर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो आसिफ ने आपको वीडियो में बता दिया रहेगा। पूरा जो मार्बल जो होता है, जो पूरा सारी दुनिया में यहीं से जाता है। हाँ, तो है ये ना, मार्बल का जो पाउडर रहता है ना, चूरा, हाँ, ये इधर लाके उन लोग फेंकते हैं, फेंक फेंकते फेंक के फेंक फेंक के ऐसा बन गया। हाँ, मतलब ये मार्बल फेंकने की डंपिंग, जैसा कचरा फेंकने की डंपिंग होगी ना, वैसे ये डंपिंग है, मार्बल का पाउडर फेंकने की डंपिंग है। तो वो डंपिंग के वजह से ही, तो डंपिंग है ये, फेंक फेंक के यहाँ पर इतना सारा ये हो गया है कि अभी ये एक स्पॉट बन गया। क्या बन गया सिर्फ? हाँ, स्पॉट बन गया, स्पॉट बन गया। अभी यहाँ पर लोग परमिशन लेकर आते हैं और यहाँ पर फोटो शूट करके जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये पूरी बर्फ है, हम कश्मीर में या मनाली में है। हाँ, है ना, ऐसा लगता है देखने से। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे बहुत शूटिंग भी होती है, पिक्चरों की शूटिंग होती है, यहाँ पे फोटो शूट होते हैं, है ना। धूप धूप भी बहुत है ना यहाँ पे। हाँ, धूप काफी कड़क है ये देखिए। और क्या बोलने का नादीप, कुछ बोल रहा बीच बीच में, मैं भूल जा रही हूँ। इधर पे आसिफ का कुछ चालू है, आसिफ आपको सारा चीजें बता रहा है यहाँ पर, क्या कैसे क्या कर कैसे मतलब ये होता है। यहाँ पर मैं अपने हेयर स्टाइल बना रही हूँ, मगर हेयर स्टाइल बैक रही नहीं तो ऑफिस खोल के भी दूसरा बना रही हूँ, है ना। और यहाँ पर तो बस मैं एकदम देख कर एकदम ये हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना रील्स बनाऊँ और कितने फ़ोटो शूट करूँ। तो बहुत सारे मैंने फ़ोटो भी शूट किए और बहुत सारी तुम्हारे भाई के साथ में रील्स भी बनाई, है ना। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, गर्म बहुत हो रहा था, बर्फ़ नहीं थी ये, ठंडी नहीं लग रही थी, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, है ना। पानी कितना ब्लू है। हाँ, पानी एकदम ब्लू क्यों था, क्योंकि ये मार्बल का ही पानी जो छूटता है और वो उसमें जमा होता है, हाँ, तो वो ब्लू ब्लू पानी हो जाता है ना सिर्फ। हाँ, तो चलिए इसी तरह से अभी हमारा फोटो शूट और रील्स के वीडियो चालू है, उसके बाद में आगे का सब आसिफ आपको बताएगा। तो चलो आसिफ।
तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पुष्कर के लिए, है ना। तो अभी जैसे अब मैं बर्फ से निकलूंगी और सीधा रेगिस्तान में उतरूंगी, है ना। हाँ। वहाँ पे पूरी आपको रेती रेत देखने मिलेगी। तो ये हमारी गाड़ी है जो कल से बुकिंग है ना। हाँ। कल भी हम इसी में गए थे और आज भी इसी में जा रहे हैं ना। और माशाल्लाह जो वो हमारे जो ड्राइवर मिले थे हमें बहुत ही अच्छे मिले थे, बहुत हर एक जगह का पॉइंट वगैरह हमें अच्छी तरह से बता रहे थे, समझा रहे थे। तो जाने के समय रास्ते बहुत अच्छे अच्छे थे और बीच में हमें कहीं कहीं पे मोर भी नजर आए, है ना। तो माशाल्लाह मोर, मैं बार बार उनको पोल रही थी कि मोर किधर है मोर किधर, तो बोले रुक जाओ आपा, आपको रास्ते में मोर दिख जाएंगे। तो मुझे कम से कम 5 मोर नजर आए थे। हाँ। है ना। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में कहाँ पे, पुष्कर में। पुष्कर में फर्स्ट फोन रहता है अपने गुलाब का खेती, जो अपनी बरगद पैदा करता है, जो समस्त मंदिर और मस्जिद पे जो लाल गुलाब जाती है वो हमारे पुष्कर से जाता है। यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने गुलाब के पौधों को वरदान दिया था कि मेरी चादर के साथ पेश होने के लिए गुलाब आवे और वो रेगिस्तान में होवे। जब से यहाँ पे रेगिस्तान में गुलाब खिलता है। सेकेंड पॉइंट होता है अपना पुष्कर लेक पर बैठ के जगत पिता वर्मा जी ने यज्ञ किया था। अकबर का किला, जो अकबर आता था उसकी रानी को यहाँ लेकर जो डांस वगैरह मुजरा वगैरह हुआ करते थे, बहुत पुराना किला है। एक करण अर्जुन मूवी देखी आपने, जिसमें काली माता का मंदिर, ठाकुर का हवेली, एक देवाती का सीरियल आता था स्टार प्लस पे जिसमें बाबू का था। हाँ, मामले जामुन का जार दिखा फिर रिटर्न आ जाता है। रेगिस्तान में आपको बंजारे लोगों को गाना बजाना देखने को मिलेगा। आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है, वहाँ पे आपको राजस्थानी ड्रेस, हॉर्स और एटीवी बाइक मिलता है। अगर आप चलाना चाहते हो, करना चाहते हो, पर्सनली आपका चार्ज लगेगा, कर सकते हो। एक बजरंगी भाईजान में शूट हुआ था जिसमें सलमान खान मुन्नी नाम की लड़की को बॉर्डर के लिए रवाना होता है, वो साइड सीन देखने को मिलेगा। जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। सिंगल कैमरा पे सिंगल बंदा बैठ के जाता है, 1500 का खर्चा आएगा। सिंगल कैमरा पे आप डबल मेंबर बैठ के जाओगे, 2000 का खर्चा आता है। एक ऐसा सिंपल बग्गी होगा जिसमें आप 5 मेंबर होंगे, 5 मेंबर आप बैक साइड बैठ के जाओगे, 2700 खर्चा आता है। एक बग्गी टू कैमरा होता है जिसमें आप 1x1 करके ऊपर बैठ सकते हो, बैक साइड बैठ सकते हो, इसमें 3200 का खर्चा आता है। अगर आपको 4x4 जीप लेके जाना चाहते हो तो जीप का टूर होता है 30 किलोमीटर का अपने, जिसमें एडवेंचर ट्रेकिंग टूर, जंगल राइडिंग और इस जीप में साइड सीन है, पूरे घुमा फिरा के लेके आता है। जीप का खर्चा आपके 6200 रुपये का आता है। 1.5 घंटे का टूर हमारी तरफ से होता है। आप 2 घंटा 2.5 घंटा भी अगर घूम फिर के आते हो तो एक्स्ट्रा टाइमिंग का आपका चार्जेबल नहीं होगा, आराम से घुमा फिरा के ही लेके आए। ये गुब्बारा ये मेले के टाइम आता है, ये नाइट होल्ड होने का भी। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं पुष्कर में। पुष्कर में पहले कहाँ था वासी सफारी? हाँ, पहले क्या नाम था उस चीज का? पुष्कर। ये पुष्कर, अच्छा वो किशनगढ़। किशनगढ़, हाँ किशनगढ़ ही बोले थे ना। हाँ। तो चलिए ये है हमारी सवारी। इसमें सवारी में चलने से पहले चप्पल निकाल के उस झोले में डालनी पड़ती है, पांव को झटक के सवारी पे बैठना पड़ता है। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय की हम लोगों ने इधर पे, हम लोग दोनों जगह पे बहुत इंजॉय किए ना। हाँ। बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए हम लोग इसके ऊपर बैठ गए मस्त आराम से चढ़ के। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई, अगर आपको देखना है तो अफरोज शेख 95 पे मौजूद है। चलिए अभी हम लोग बैठे हैं ऊंट की सवारी पे। हाँ। है ना, इस तरह की बग्गी में, बग्गी में। हुँ. और अभी हम लोग रेगिस्तान घूमने जा रहे हैं ना, रेगिस्तान में जा रहे हैं। और थोड़े बहुत साइट सीइंग भी दिखाएंगे। हाँ, वो थोड़ी बहुत तो हम आपको बताएंगे। हाँ, एकदम आराम आराम से ऊंट चल रहा है, मजे मजे में। हम लोग भी मजे मजे में बैठे हुए है ना, फुल मजे में बैठे हम। धर्म में थोड़ा अभी रील्स बना लेते, रील्स बना लेते। ये देखा क्या लिया, क्या ये पीछे क्या है? झील 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 सलवार सलवार झील। अच्छा पुष्कर सलवार झील, मतलब एक बाइक पिंक टू हो रही है। ओ शेर तो दिल आगे बढ़ो, आगे दिलावा भरो पर। Thank you.
चलिए अभी हम लोग आ चुके हैं एकदम रेगिस्तान के अंदर, है ना। यहाँ पे आजू बाजू आप जहाँ पर भी नजर घुमाते रहेंगे आपको सिर्फ रेत ही रेत नजर आएगी, है ना। और यहाँ पे कुछ रेगिस्तानी जो कपड़े होते हैं ना, जो पहनकर फोटो वगैरह खींचते, वैसा मैं अभी आपको देखने मिलेगा। तो देखिए मैं भी वैसा कपड़े पहन के फोटो वगैरह खींचूंगी। अगर आप कभी भी इधर आए तो ये सवारी की भी भाव ताव अच्छे से करना। और दूसरी बात ये देखिए, ये मेरी सलवार पूरी ढीली हो गई, सड़क सड़क के इतना नीचे तो बार्गेनिंग करना। हाँ बार्गेनिंग करना, चाहे वो जो भी हो, दोनों भी, है ना। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं जैसे कि उतर कर जा रही हूँ, अभी पहले तो ये कपड़े का भाव ताव करूँगी, उसके बाद मैं कपड़ा लूँगी और पहनूंगी। यहाँ पे भी कुछ मेरे सब्सक्राइबर मिल गए जो मेरे को मुझे यूट्यूब पर देखते हैं उन लोग, है ना। तो वो लोग भी मुझे मिले, तो उन लोग ने भी मेरे साथ में फोटो शूट वगैरह किए और उन लोग भी मेरे साथ में बार्गेनिंग मतलब कर रहे थे भाव ताव ना, उन लोगों ने मुझे कम करके ये सारी ग्रेसें दिलाई। पर ये खाली का फोटो खींचने के लिए वीडियो बनाने के लिए ही रहती है, है ना। तो चलिए यहाँ मम्मी मत राजस्थानी कपड़ा पहन के। तो देखिए यहाँ पर मेरा कपड़ा पहनना चालू हो चुका है, तो यहाँ पर मैं पहन रही हूँ लाल कलर का कपड़ा और अच्छा लग रहा था, लाल अच्छा लग रहा था मुझे, अच्छा लग रहा था ना। तो चलिए ये मैं अभी कपड़ा पहन कर पूरी राजस्थानी बन जाऊंगी। और ये लोग इतना फास्ट फास्ट पहना देना, दो मिनट में मुझे राजस्थानी बना दिए एकदम फटाफट। हाँ एक उधर से एक इधर से, मगर थोड़ा ध्यान भी रखना अपने माल का, अपने सामानों का, है ना। हाँ। थोड़ा केयरफुल लेना, क्योंकि हमारे आंग में भी दागिने होते हैं, हमारी पर्स मोबाइल ये सब चीज़ों का इन लोगों से थोड़ा ध्यान ही रखना, है ना। जो भी चीज़ है अपनी सेफ्टी होती है, हम कहीं भी जाते हैं तो हम सेफ तो रहना चाहिए। तो इधर पे तुम्हारे भाई भी रेडी हो चुके हैं, अभी हमारा फोटो शूट होगा। आसिफ को अशरफ को बोली पहनो, तो उन लोग बोले नहीं हम लोग नहीं पहनेंगे, उन लोगों को शर्म आ रही थी। क्या शर्माने का, है ना, जाम गए अपन इंजॉय कर लेने का। कर लो ये सब, उसके बाद फोटो वोटो निकालेगा। इधर इधर आओ, 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 इधर आओ। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ फोटो शूट करने के लिए। देखिए तुम्हारे भाई मेरा दुपट्टा पकड़ के चल रहे हैं और मैं अपना घाघरा पकड़ के टुकुन मुटुन टुकुन मुकुन टुकुन मुकुन रेत ही रहते। और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छी हमारी रील्स बनी, बहुत अच्छे फोटो शूट हुए तुम्हारे भाई के साथ में, मेरा चालू था। अगर आपको फोटो वगैरह देखना है तो afroshek95 इंस्टाग्राम पे अपलोड है, देख सकते। तो ये देखिए ये मटका लेके फुल राजस्थानी है एकदम। तो भाई देखे कितने माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं राजस्थानी सूट में, है ना। माशाल्लाह हमारी जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, है ना। हाँ चलिए अभी सब कुछ हो चुका है हमारा, फोटोशूट रील्स वगैरह बनकर अभी जो ये भाड़े के कपड़े इसे मैं उतार के खाली कर रही हूँ, अभी उसे हम दे देंगे, उसके बाद में उनकी जो पेमेंट है वो देंगे। अभी इन्होंने कितना लिए मुझसे पता है, पहले तो मुझे बहुत बोल रहे थे, एक जोड़े का 1000 रुपया बोल रहे थे, कोई 1500 रुपया बोल रहा था, फिर भी हम लोगों ने पूरा ग्रेसिंग का लिए 500 रुपया। 500 रुपये में हमारा हो गया। अभी यहाँ पर मैं उतर के जा रही हूँ, हुट पे बैठ रही हूँ, है ना। मुझे एक हुट के ऊपर बैठ के एक वीडियो बनानी थी, है ना। तो यहाँ पर मैं हुट पे बैठ गया, हुट पे बिठा दो दिए। अब इतना मैं डर रही थी, इतना चिल्ला रही थी, मेरे को नहीं बैठने का, उतारो उतारो इतना जोर जोर से। अब वो हुट भी आहिस्ते आहिस्ते चल रहा नहीं, हुट भी भागे जा रहा है, और ऊपर से मैं बैठी हूँ तो मैं डरपोक।
मेरे को इतना डर लग रहा है कि पूछो मत, सभी लोग बैग के पीछे हंस रहे हैं, मजे ले रहे है ना, और ऐसे वीडियो शूट कर रहा है। ये वो करण अर्जुन की ठाकुर की हवेली है। हाँ, ये जो लाइट वाली। अच्छा अच्छा, ये करण अर्जुन के ठाकुर की हवेली है ना। एकदम सनसेट का टाइम था, एकदम मस्त। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखिए ना। और फिर यहाँ पर हम लोग उतर गई, मैं बाद में एक रील्स बना के, उसके बाद में हम लोग वो पिए ना। हाँ, गुलकंद की लस्सी पिए है, आगे बोले तुम। हाँ, गुलकंद की लस्सी पिए। तो देखिए रोड कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। इंशाल्लाह अगर आप भी जाएंगे तो जरूर इधर जाना। इधर पे हमारी हुट की सवारी रुकी हुई है और यहाँ पर हमें रस्ते में कुछ गुलकंद की लस्सी मिलती है। हाँ। है ना, यहाँ पे गुलकंद काफी फेमस है ना, तो ये हम लोगों ने गुलकंद की लस्सी मंगाई। देखिए, देखते जाए टेस्ट करते गुलकंद की लस्सी कैसी होती है। इसमें गुलाब नहीं है, शक्कर नहीं है, गुलकंद डाल के, खतरनाक गुलकंद डाले। अच्छे, एक नंबर गुलकंद की लस्सी पहली बार सुने ना, गुलाब की गुलकंद की लस्सी। गुलाब और गुलकंद, सब जरा मिक्स करके टेस्ट करके बताते कैसी है लस्सी है। मिक्स किया, एक नंबर है, मस्त है, बहुत अच्छी है। फिर आवास रंटावास, एकदम गुलकंद का टेस्ट आ रहा है, मस्त है। तो चलिए, जहाँ से हमने सवारी लिए थे वहाँ पे आके इन्होंने ऑफिस मुझे छोड़ दिए, इसके लिए मैं काफ़ी थक चुकी थी, आगे का वीडियो मैं कर नहीं पाई, इसीलिए यहाँ से ही आपको अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, इस तरह का अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।